गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे। बेसिकली ये है इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसे हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम। ठीक है, लिमिट ऑफ ए सम। तो क्वेश्चन में लिखा होगा आपको ये मेथड यूज़ करना है, या तो लिखा होगा इवेल्यूट इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या लिखा होगा इंटीग्रेशन एज इवेल्यूट एज ए लिमिट ऑफ ए सम। निश्चित बात है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन होगा 100%। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ फार्मूलेज यूज होते हैं, पहले उस फार्मूलों को देख लेते हैं। अभी तक जो आप पढ़ते आए हैं 1+2+3+...n, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ जो पढ़ना है n टर्म्स का नहीं पढ़ना, यहाँ पढ़ना है n-1 टर्म्स का। तो बेसिकली सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n-1 टर्म्स, तो ये हो जाएगा 1+2+3 n-1 1/2 n-1। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे, वो भी n-1 टर्म्स का ही करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 n(n-1)(2n-1)। फिर करेंगे सम ऑफ क्यूब्स, 1+2+3+n-1 n² + n² (n+n-1)² 4। ठीक है, अब आते हैं हम इसके फार्मूले की ओर कि प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि कोई क्वेश्चन दे रखा होगा a(b)(f(x)(dx), तो ये फार्मूला लगेगा लिमिट h→0 h(fa+fa+h+fa2+2h) इस तरह से चलेगा, जहाँ a होगी लोअर लिमिट, b होगी अपर लिमिट। ठीक है, उसमें हम एक चीज़ निकालेंगे b-a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो होगी nh के बराबर। nh बराबर होगा b-a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जैसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्यूट द इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, तो कह रखा है उसने या कह दिया है इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो ठीक है, तो लिमिट है 0 to 5, यानी a की वैल्यू 5, ए की वैल्यू सॉरी 0 लोअर लिमिट होती है, ये ध्यान रखना, और बी होता है अपर लिमिट 5। तो हम निकाला एन एच बराबर b-a, तो इससे हमें क्या निकल के आई, एन एच की वैल्यू निकल के आई, एन एच बराबर क्या आ गया 5। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए ए है 0, तो देखिए फार्मूला लगाया लिमिट h→0 h(fa+fa+h)(fa+2h)(so on), तो देखिए ए की वैल्यू रख दी मैंने, HFA एक ही जगह 0, यहाँ भी 0, एक ही जगह यहाँ भी 0, सो ऑन। तो जो हमारा बेसिकली फार्मूला बना HF0FH+F2H+F3H(so on), तो देखो बेसिकली FH क्या होगा, जो क्वेश्चन में फंक्शन होगा जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो वो हो गया FX बराबर X+1, तो F0 क्योंकि हमें क्या चाहिए एट X=0, F0 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसी FH H+1, तो F2H की वैल्यू 2H+1, F3H की वैल्यू 3H+1, सब हरी वैल्यूज निकाल ली, जो भी यहाँ फंक्शन बैठ रहा होगा वो पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन में रख के निकाल ली गई, उनकी वैल्यू रख दी जाइए। लिमिट h→0 h(1+h+1)(2h+1)(3h+1)(n-1)(h+1), तो आप देखिए सब में 1 जुड़ रहा है, तो देखिए मैंने क्या करा, सारे 1 को इकट्ठा कर लिया, और बचे हुए h के टर्म देखो, 1 एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एक n-1 टर्म से भी है। ठीक है, सारे n टर्म्स इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब देखिए h, अब बचे हुए टर्म में h इकट्ठे करें, h+2h+3h+n-1h। अब एक बात आप कह सकते हैं यहाँ कि सर 1 सम में ही है, तो 1 का n, 1 को n टाइम्स जोड़ा गया, कितने टाइम्स जोड़ा गया, n टाइम्स। ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी तो है, यहाँ से भी तो निकला है एक 1, सब n टाइम्स तक हो रहा है, तो n किसी भी चीज़ को n टाइम्स जोड़ोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगी, n टाइम्स। मान लो मैंने भाई किसी को 4 बार जोड़ा, तो 4n टाइम्स, मतलब 4 को 4 बार टाइम्स जोड़ो, तो मतलब उस किसी भी टाइम्स को जितनी बार जोड़ोगे उसका सम वही होगा, उतने टाइम्स तो होगा, तो n 1 को n टाइम्स जोड़ा तो उसका सम हो गया n। ठीक है, h को देखो, अब h+2h+3h सब में h है, तो मैंने यहाँ से h कॉमन ले लिया, तो यहाँ से h कॉमन ले लिया, तो 1+2+3 n-1। ठीक है, अब इसका फार्मूला आपको बताइए कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स इन n-1 टर्म्स, उसका फार्मूला लगा दिया, h बाहर n, एच ऐसे ही n(n-1)(2). ठीक है, अब देखो इसकी इसकी n से गुणा कर दी nh,
और इस एच को अंदर ले गए, एक एच यहाँ आ गया और एक एच यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एन एच, एक एन एच ये था ही ऊपर, इस एच के अंदर गुणा कर दी एन एच माइनस एच, और एन एच का मान मैं ऊपर निकाल के आया हूँ, देखो यहाँ एन एच की वैल्यू मैं यहाँ निकाल के आया हूँ 5, तो मैंने यहाँ एन एच का मान क्या रख दिया 5, एन एच की वैल्यू क्या रख दी 5। अब जब 5 रख दी उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ एच था वहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 रख दी, यहाँ एच की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। उससे आगे 35/35/2 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो लास्ट ईयर आया भी है, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम 2 to 3 x² dx। अब देखो फंक्शन एफ एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, ए लोअर लिमिट 2, बी अपर लिमिट 3, एन एच बराबर हो गया बी माइनस वन, ए यानी 3 - 2 1, एन एच की वैल्यू हो गई 1। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0, एच एफ ए प्लस एफ प्लस ए एच प्लस एफ ए प्लस 2 एच प्लस डैश एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच। अब ए की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ क्या ए की जगह रख रहा हूँ मैं 2, तो यहाँ क्या क्या रखा जाएगा एफ 2, एफ 2 प्लस एच, एफ 2 प्लस 2 एच, एफ 2 प्लस 3 एच एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पहली वैल्यू निकाली एफ 2 की, फिर निकाली एफ 2 प्लस एच की, फिर निकाली एफ 2 प्लस 2 एच की, फिर निकाली एफ 2 प्लस 3 एच की, वैल्यू निकलती चलेगी, ये हो गया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दी, यहाँ भी 2 प्लस 2 एच का होल स्क्वायर लगा दिया, और यहाँ भी 2 प्लस 3 एच का होल स्क्वायर लगा दिया, और ये सारी वैल्यू रख दी, देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी और उसका ये फार्मूला लगा दिया जो जो था। अब देखिए 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में 4 जरूर है, तो सम ऑफ फोर्स हो गया 4 को एंड टाइम जोड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 4 h² प्लस 9 h² यानी एच स्क्वायर प्लस 4 h² प्लस 9 h² इस तरह से चल रहा है। उसके बाद है एच का टर्म्स 4 h, 8 h, 12 h, इस तरह से चल रहा है, तो ये हो गया 4 h प्लस 8 h प्लस 12 h एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब देखिए 4 कॉमन लिया तो 1 का एन टाइम्स सम, यहाँ से एच स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। यहाँ से 4 h कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसका एन टाइम्स सम 4 n, एच स्क्वायर कॉमन लिया तो स्क्वायर का सम बन गया n माइनस टर्म में, ये 4 h कॉमन लिया तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n माइनस 1 टर्म्स हो गया, ये दोनों फार्मूले आपको पता ही है। तो मैंने क्या करा 4 n, अब यहाँ फार्मूला लगा दिया 1/6 n(n-1)2n-1 स्क्वायर वाला, यहाँ लगा दिया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n माइनस टर्म्स 1/2 n(n-1) का लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 4 n ऐसे ही, इसमें 2 h थे तो 1 h यहाँ चला गया, 1 h यहाँ चला गया, फैक्टर ऐसे ही रह गया, इसमें 1 h था इसके अंदर इस n से गुणा कर दी, ठीक है। अब जो बाहर वाला h था वो अंदर लेके गए 4 n h, अब ये वाला h अंदर गया तो इसके अंदर से गुणा हो गई इस वाले से, ठीक है। वो जो वाला एच गया वो यहाँ रख दिया, ठीक है, और अंदर गुणा करके जहाँ जहाँ एन एच बन सकता था वहाँ वहाँ एन एच के पेयर बना दिए, एन एच के पेयर बना दिए, देखिए। और एन एच के पेयर बनते ही हमने क्या करा, एन एच का मान 1 रख दिया, क्योंकि ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए एन एच का मान मैंने क्या निकाला था 1, तो जहाँ जहाँ एन एच आएगा वहाँ क्या क्या रखूँगा 1, तो मैंने यहाँ 1 रख दी, जहाँ जहाँ एन एच था वहाँ वहाँ 1 रख दिया, और 1 रखने के बाद एन एच की वैल्यू जहाँ एच बचा है, जहाँ जहाँ एच बचा है वहाँ एच टेंस टू, वहाँ एच टेंस टू 0 रख दिया, एच टेंस टू 0 रख दिया, और कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया 19/3, 19/3।